सीजीआई चंद्रचूड़ की सेम सेक्स मैरिज पर किस तरह की टिप्पणी से तेज हुई बहस, सेम सेक्स मैरिज विरोध के बीच कोर्ट में क्यों लड़ी जा रही अधिकार की लड़ाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच पर सुनवाई के लिए एक ऐसा मामला आया है जिसे लेकर इस समय देश में अपने तरह की एक बहस छिड़ी हुई है। मामला सेम सेक्स मैरिज से जुड़ा है जिसे हिंदी में समलैंगिक विवाह कहा जाता है। हालांकि हिंदी में समलैंगिक विवाह शब्द उतना ज्यादा प्रचलन में नहीं है क्योंकि हिंदी जो सर्वसाधारण की भाषा है उस सर्वसाधारण वर्ग समूह ने देश में इस तरह के विवाहों को ना तो खुले दिल से स्वीकार किया है और ना ही उस पर खुलकर बात करना पसंद करते हैं। हालांकि एक तबका ऐसा भी है जो सेम सेक्स मैरिज का समर्थन करते हैं, लेकिन ये तबका वो है जो ज्यादा पढ़ा लिखा खुली सोच वाला और अधिकतर शहरों में वास करने वाला है। लिहाजा इस मुद्दे पर इन दिनों देश में बहस छिड़ी हुई है कि सेम सेक्स मैरिज को देश में लीगल किया जाना चाहिए या फिर नहीं। बहुत से जोड़े ऐसे हैं जिन्होंने विवाह की इच्छा के साथ कोर्ट में याचिकाएं भी लगाई हुई हैं। सबसे पहले हम उन लोगों को ये बता दें जो ये जानते नहीं कि ये फंडा है क्या। दरअसल जब दो महिलाएं आपस में विवाह या दो पुरुष आपस में विवाह करना चाहें या विवाह करें तो इसी को सेम सेक्स मैरिज कहा जाता है जिसे अब तक देश में कानूनी तौर से मान्यता नहीं मिली हुई है। आपको बता दें कि गुजरे 25 नवंबर को दो गे कपल्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए जाने संबंधी याचिका दायर की थी जिसके बाद कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की मांग वाली इन याचिकाओं की देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संवैधानिक बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। 5 जजों की बेंच की सुनवाई में केंद्र की ओर से इसका विरोध किया गया और इससे जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की गई। केंद्र का कहना है कि शादियों पर फैसला सिर्फ संसद ही ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। आपको बता दें कि देश में समलैंगिक विवाह की मांग ने जोर तब पकड़ा था जब साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था। तभी से समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की मांग की जा रही है। मांग में याचिकाकर्ता इसके जरिए समाज में LGBTQIA+ समुदाय के साथ भेदभाव को खत्म करने की बात को सामने रख रहे हैं। आपको बता दें कि 50 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां न सिर्फ समलैंगिक विवाहों को मान्यता दी गई है बल्कि ऐसे जोड़ों को कानूनी तौर पर बच्चा गोद लेने की अनुमति भी है। हिंदुस्तान में इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी भी इसके समर्थन में है। इस मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार जहां इसके विरोध में दिख रही है वहीं पूर्व कांग्रेसी नेता और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी इसके विरोध में हैं। हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी का इस मामले में तर्क ये है कि LGBTQ से जुड़े लोगों को भी सम्मानपूर्वक ढंग से अपना जीवन जीने का अधिकार है, उन्हें भी विवाह और परिवार का अधिकार होना चाहिए जैसे कि बाकी दूसरे लोगों के लिए है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।